हेलो फ्रेंड्स, संजय एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, संजय एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर। मूक होई पचाल पंगु चढ़ाई गिरवीर गहन, जस कृपा सो दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो सोठा। प्रस्तुत पंक्ति में सोठा। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बाध्य आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोहा है। यह क्या है? दोहा है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है तो सोठा। सोठा शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो चौपाई। प्रस्तुत पंक्ति में चौपाई छंद है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सूल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोहा। प्रस्तुत पंक्ति में दोहा छंद है। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। तो दोहा, दोहा कहलाता है। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोहा है। या क्या है? दोहा छंद है। किसको पुकारे यहाँ रोकर आराड बीच, चाहे जो करो शरण शरण तुम्हारा तिहारे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो घनाक्षारी, घनाक्षारी छंद है। अर्धसममात्रिक जाति का छंद है तो दोहा। अर्धसममात्रिक जाति का छंद है दोहा। दोहा अर्धसममात्रिक जाति का छंद होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएँ होती हैं 16। 16 मात्राएँ होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन। तीन प्रकार के होते हैं छंद। तीन प्रकार के होते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवीर गहन, जस कृपा सो दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो सोठा। या क्या है? सोठा है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलियाँ, कुंडलियाँ बनता है दोहे और रोले को। अवधशिला का उर पर था गुरु भरा भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बारहवें, बारहवें छंद है। घनाक्षारी छंद है। घनाक्षारी छंद है तो वार्णिक, वार्णिक घनाक्षारी छंद होता है। वार्णिक शब्द क्या होता है? घनाक्षारी छंद होता है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो मात्रिक, मात्रिक का छंद होता है। वीर या आल्हा मात्रिक जाति का छंद है। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? तो मुक्त छंद कहलाता है। मुक्त छंद कहलाता है जिसमें मात्रिक प्रतिबंध ना हो। निराला की कविता जूही की कला कली उदाहरण है तो मुक्त छंद का। निराला की कविता जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, यह है रोला। यह क्या है? रोला है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जस, जो धायक फलचार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोहा है। यह क्या है? दोहा है। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो मतंग यंद छंद है। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छप्पय। छप्पय में 6 चरण होते हैं। तो किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छप्पय में। छप्पय में 6 चरण होते हैं। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है तो दोहा। दोहा अर्धसम मात्रिक जाति का छंद होता है। दोहा अर्धसम मात्रिक। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं तो 16। 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। छंद तीन प्रकार के होते हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में देखो, मूक होई वचाल पंग चढ़ाई गिरवीर गहन, जस कृपा सो दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो सोठा है। क्या है? सोठा।
दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो कुंडलियाँ बनती हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलियाँ बनती हैं। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। प्रसुर पंक्ति में कौन सा छंद है, तो बारहवें है, बारहवें है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मगुर सुधा मुकुर सुधारी, बरनह रघुमर विमल जस जो धायक फलचारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो दोहा है, या क्या है, दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली गली ही सौ बाधेव आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यह भी दोहा है या दोहा छंद है। लाल दे लाली लसन अरिधर लाल लंगूर, बज देव दानव दलन जय 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 कपिसूर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो या दोहा है, दोहा छंद है। या निश्चित प्रेम प्रतीत ते विनय और करे सम्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा है, तो या भी दोहा छंद है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हरस बरसहु सुर भूप। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो या भी दोहा छंद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो सोरठा छंद है, सोरठा छंद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यह चौपाई है, चौपाई है। बिनु पग चले सुन सी सत्य असीम हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यह चौपाई है, यह चौपाई है। ऊ हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरही मारु ब्रज के कीले की कीले। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यह चौपाई है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो मतंग ज्ञान्द छंद है, मतंग ज्ञान्द छंद है। राम लखन सीता सहित हृदय बसहुँ सुरभूप। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो या दोहा छंद है, या दोहा छंद है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुण आयन, जहि तीन पर नेह करहूँ कृपा मर्दन मयन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो या सोरठा छंद है। नीला सरोरोह श्याम तरुण अरुण वरिज नयन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो सोरठा है, या क्या है, सोरठा है। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो बारहवें, बारहवें छंद है। प्रीपति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यह मालिनी, मालिनी छंद है। बिन बिचारे जब काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो उपेंद्र वजा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है, तो दोनों में ही, चरणों में, यति में, चरणों और यति में विभक्त रहता है।